Hello student, welcome back to this channel. In the last class we were talking about figure of speech. We have find out many figure of speech from the sentences for the practice set. Today we will talk about important figure of speech pun, that is called Shlesh Alankar in the Hindi mein usko Shlesh Alankar bolte hain. To pun ka kya hai? Pun jo hai, to define the pun, the word pun refer to the word used in a sentence have two different meaning, or different word of same sound. Pun refer to the word used in a sentence have two different meaning or different word of same sound. So pun mein kya aata hai कि एक कोई वर्ड सेंटेंस में यूज़ किया गया है तो उसके अलग अलग मीनिंग होंगे, या फिर दो अलग अलग वर्ड होंगे, डिफरेंट वर्ड ऑफ सेम साउंड. अलग वर्ड है परंतु उनके जो है मीनिंग जो होंगे वो भी डिफरेंट. सेम साउंड तो होगी परंतु उनके भी मीनिंग अलग होंगे. एक ही वर्ड के भी अलग अलग मीनिंग होंगे. रेफर टू ए वर्ड यूज इन ए सेंटेंस. सेंटेंस में जो प्रयोग होगा उसके अलग अलग मीनिंग होंगे और जो अलग अलग वर्ड यूज होंगे परंतु उनकी साउंड सेम होगी, उनके भी डिफरेंट मीनिंग होंगे. तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. द टर्माइट वॉक्स इनटू द बार एंड आस्क इज द बार tender hair. Is the bar tender hair? Next hai, it's pointless to write with a broken pencil. अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है फिगर स्पीच पन का है. द टर्माइट होता है दीमक. टर्माइट वॉक इन टू द बार, किस बार के अंदर गई किसी लकड़ी के. इट्स द बार टेंडर हेयर, और पूछती है. टेंडर का मतलब देखो, ये जो वर्ड है टेंडर, टेंडर के दो मीनिंग होते हैं. एक तो इसका मीनिंग होता है कोमल, कोमल मतलब सख्त ना हो, कमजोर नाजुक, जो सख्त ना हो, ठीक. और दूसरा वर्ड होता है प्रपोजल, प्रपोजल प्रस्ताव, प्रस्ताव. ये दो मीनिंग होते हैं. अब एक ही वर्ड के दो मीनिंग हैं, अलग अलग मीनिंग है. टर्माइट वॉक इनटू द बार, जो टर्माइट थी वो बार के अंदर गई, किसी लकड़ी के अंदर गई, और आस्क पूछती है कि इज द बार टेंडर हेयर, कि क्या वह लकड़ी वहाँ से उस पार्ट के पास से कमज़ोर है या कोमल है. परंतु इसके दो मीनिंग हैं, टेंडर भी प्रस्ताव भी. सेकेंड है पॉइंटलेस टू राइट. इट्स पॉइंटलेस टू राइट विद ए ब्रोकन पेंसिल. पॉइंटलेस होता है कि जिसका ऊपर वाला हिस्सा टूट गया हो, मान लो पेंसिल है उसका ऊपरी हिस्सा टूट गया हो तो उसको पॉइंटलेस बोलते हैं. और दूसरा पॉइंटलेस होता है
एक तो व्यर्थ होता है, इसका व्यर्थ पॉइंटलेस, कि ये पॉइंटलेस है, व्यर्थ है, इसका कोई काम नहीं है। और दूसरा इसका जो है, मान लो कि पेंसिल है उसका ब्रोकन है, अगर उसको टूट ही गया, उसका ऊपर से जो रिफिल है उसका टूट गया है, तो वो भी पॉइंटलेस होगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो वो इसके दो मीनिंग है, एक तो व्यर्थ, दूसरा इसका मीनिंग है बिना नोक के, एक बिना नोक वाला जो कि इसका ऊपरी पार्ट टूट गया है, व्यर्थ, और दूसरा व्यर्थ है। तो बिना नोक वाला और व्यर्थ, बिना नोक की पेंसिल को हम यूज नहीं कर सकते, और कोई चीज़ व्यर्थ हो उसका भी यूज नहीं कर सकते। तो ये श्लेष अलंकार है, पन अलंकार है। इसमें देख लो, रेफर टू द वर्ड यूज इन सेंटेंस हैव टू डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट वर्ड ऑफ सेम साउंड, अलग अलग साउंड के दो वर्ड हो सकते हैं, या फिर एक ही वर्ड जिसके दो मीनिंग हो। तो ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आपने देख लेना। इसके बाद हम कुछ और फिगर ऑफ स्पीच जो है को प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो ये रह गया था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। तो नेक्स्ट और फिगर ऑफ स्पीच हम प्रैक्टिस में कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट में कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। लैंड मी योर ईयर, तो यहाँ पर जो ईयर है, व्यक्ति के अटेंशन को अपनी तरफ करने के लिए कहा गया है, तो लिसन शब्द यूज होना था, उसकी जगह पर ईयर यूज किया गया है कि मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा मेटोनमी। मेटोनमी जो है फिगर ऑफ स्पीच हो, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा वर्ड यूज हो सकता था, परंतु इसके लिए कोई दूसरा वर्ड यूज किया गया है। फिश आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन ए स्कूल। और देखो यहाँ स्कूल वर्ड का दो मीनिंग है, एक तो स्कूल वो है जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, दूसरा फिश, फिश आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन ए स्कूल। अब फिश के लिए, फिश का कोई स्कूल तो नहीं होता, वो स्कूल तो नहीं जाती, परंतु जो फिश होती हैं छोटी, वो एक ग्रुप में रहती हैं। स्कूल में क्या होता है, ग्रुपिंग होती है, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो फिश भी इसी तरह एक ग्रुप में रहती हैं। जो छोटी छोटी फिश होती हैं, तो वो जहाँ पर भी रहती हैं वो पूरे एक ग्रुप की तरह रहती हैं, जिस तरह से स्कूल में बच्चे ग्रुप में रहते हैं, तो वहाँ उनके हर क्लास का ग्रुपिंग कर दी जाती है, परंतु ओवरऑल एक ग्रुप भी होता है स्कूल का, पूरे स्कूल के बच्चों का ग्रुप। परंतु इसलिए यहाँ पर जो है इसके दो मीनिंग दिए गए हैं, एक तो फिश के लिए कि फिश भी अपने स्कूल में रहती है, परंतु स्टूडेंटों के लिए अलग यूज़ किया गया है स्कूल का वर्ड, और फिश के लिए अलग यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो है पन जो है अलंकार है, श्लेष अलंकार है। माई टीथ चैटर्ड, देखो साउंड की जहाँ पर भी साउंड आती है वहाँ पर तो ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया होता है। पुलिस लेफ्ट एन ऑनेस्ट थीफ, देखो ऑनेस्ट थीफ को छोड़ दिया, वो जो थीफ भी है ऑनेस्ट भी है, ये तो दोनों ये ऑक्सीमोरॉन के एग्जांपल हैं, ऑक्सीमोरॉन। ही हैज ए रियल पैसिव अग्रेसिव पर्सनैलिटी। अब देखो पैसिव होता है बिल्कुल निष्क्रिय, अग्रेसिव होता है लड़ने को भागने वाला, तो वो व्यक्ति जो पैसिव भी है, निष्क्रिय भी है और सक्रिय भी है, पैसिव एक्टिव दोनों अपोजिट वर्ड आ गए हैं, पास पास एडजेसेंट वर्ड हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरॉन है, फिगर ऑफ स्पीच है। हर वॉइस इज स्मूथ एज ए सिल्क, एज वर्ड यूज हो गया, तो यहाँ पर सिमिली है। नेक्स्ट ही हैज मैनी फैन, और फैन का प्रयोग दो प्रकार से हुआ, एक तो फैन होता है वो पंखे जो छत में हमें हवा देते हैं, छत से हमें हवा देते हैं, दूसरे वो फैन जो प्रशंसक होते हैं, तो यहाँ पर भी पन, यहाँ पर जो फैन का प्रयोग किया गया, ये तो सीलिंग फैन होते हैं, और दूसरा वो फैन जो किसी सेलिब्रिटी के फैन होते हैं, तो वो सारे, तो इसलिए दो वर्ड मीनिंग है इसके, यहाँ पन फिगर ऑफ स्पीच है। ऑल माई लाइफ इज यस्टरडे, तो इसमें देखो विरोधाभास है कि ऑल माई लाइफ इज यस्टरडे, यस्टरडे होता है कल, बिल्कुल आज के पहले वाला कल, तो जो बीत चुका है, तो यहाँ पर ऑल माई लाइफ, तो यह तो पास्ट होता, पास्ट वर्ड आना था, परंतु यहाँ पर जो कंट्राडिक्टरी हो गई है स्टेटमेंट, एंटीथीसिस का एग्जाम्पल है, द रेन इज पेन फॉल मेनली ऑन द प्लेन, रेन पेन मेनली स्पेन प्लेन। तो यहाँ पर जो है
ए ए की साउंड आ रही है, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। एसोनेंस, एसोनेंस में जहाँ पर वॉवल की साउंड आती है, रेन स्पेन फॉल मेनली ऑन द स्प्लेन, तो जहाँ पर ए ए की साउंड आ रही है, ए वॉवल की साउंड आ रही है, वहाँ पर एसोनेंस है। और द मूवी वॉज नॉट बैड, तो ये लिटोरस का एग्जाम्पल है, लिटोरस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अच्छा बताने के लिए उसके लिए नेगेटिव नोट वर्ड यूज करते हैं, ताकि उसकी गलत उसमें उल्ट अपोजिट बताया जाता है। अगर हम किसी को पॉजिटिव बताना हो तो उसकी नेगेटिव क्वालिटी को बताया जाता है, मूवी वॉज नॉट बैड। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के वर्डों को यूज करके उसकी पॉजिटिव बताया जाता है कि अच्छी मूवी थी, तो वो कहने का मीनिंग है कि अच्छी मूवी थी, वॉज गुड, मूवी वॉज गुड, मूवी अच्छी थी, नॉट बैड। तो इस तरह के जो वर्ड यूज होते हैं वो लिटरेचर में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फिगर ऑफ स्पीच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए गुड डे।